I'm so sorry, Kittu. तुम ठीक तो हो ना? हाँ आनंद, मुझे क्या हुआ है? नहीं किटू, फिर भी मुझे ध्यान तो रखना चाहिए ना। मुझे तुमसे कुछ कहना है किटू। पहले मैं गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ। आई एम सॉरी किटू, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने अब तक तुमसे नहीं कहा। क्या तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं तुम्हारा पूरे से पूरा ख्याल रखूं। आनंद, मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे तुम्हें जयपुर से यहां अकेले नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हें वहीं रोक लेना चाहिए था। देखा ना तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। नहीं आनंद, एक्चुअली गलती तो मेरी है, ना ही मैं तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में बैठती और ना ही तो मैं इतनी परेशानी होती। एक तो तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। नहीं किट्टू, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम हो चुका है। इनफैक्ट तुमने बेफजूल में स्ट्रेस ले लिया। श्रद्धा ने मुझे स्पेशली कहा था कि इस हाल में तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जब श्रद्धा दीदी, आनंद उन्हें फोन करके पूछो तो सही कि वो कहां पर पहुंची है। देखो रास्ते में फॉग भी पड़ गया है और आई थिंक अब मैं उन्हें फोन करके पूछना चाहिए, कहीं किसी प्रॉब्लम में ना हो। फोन कर लो उन्हें। हाँ, और हमें भी ट्रैफिक होने से पहले दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। आजकल फॉग की वजह से काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मेरा फोन दो ना। हाँ, थैंक यू। तो देखा आपने, यहाँ के लोग जाम में फंसे हैं, परेशान हैं। जाम लगता है, इससे लोगों का टेंशन। आइए देखते हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप लोग को देख सकते हैं। श्रद्धा, हम देखते हैं क्या क्या होगा। देखते हैं ना श्रद्धा, आइए आप। अरे भाई का फोन है, उससे कहिए हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। हेलो भाई। हाँ सब ठीक है। अरे सर जी, ओ सर जी, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए ना भाई साहब, आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो कब तक रुकना पड़ेगा? पता नहीं। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके ओके बाय। वो आगे पूरा जाम है, एक्सीडेंट हो गया, सुबह तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैंने अभी घर वालों से बात की और कहा कि सब ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? हम सोचते हैं वहां जाके। आइए आइए ना। चीयर्स। माहौल बन गया, आज तो बहुत मजा आया। सही कह रहा तू। कॉल प्लीज रहने दीजिए। तो यहाँ से चलते हैं, ये लोग रात को दंगा करें। लेकिन हम जाएंगे कहाँ कुणाल? आइए हम कुछ सोचते हैं। अरे तोमर जी। जी भैया। इनको ले जाइए 105 में। अच्छा, अकेले आए? नहीं, वो मेरे साथ। साथ में आए हैं। आइए दिखाते हैं रूम आपको। चलिए चलिए। हेलो, आइए आइए। ये देखिए कैसा है, अच्छा है ना? वहां कसम से सबको अच्छा लगता है। चलिए सर, लाइट तो ऑन करो। ओ वहां का सर, भूल ही गया था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।
यू भाभी जी। सर अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो तोमर जी नाम है मेरा, आवाज लगाइएगा मैं आ जाऊंगा, ठीक है? गुड नाइट बाय। वाओ नेचुरल ब्यूटी है ना, यहाँ ना आपको जंगल के बीचों बीच रहने वाला फील आएगा, परफेक्ट है। क्या बात है, मिट्टी भी है और वो जालों में छोटी छोटी कीड़े, हाउ क्यूट ना। वैसे आपको कोई शिकायत तो है नहीं ना? अरे होगी भी कैसे, इतना अच्छा कमरा मिला है, कौन भला शिकायत करेगा। हाँ वैसे भी अब एक ही रात की बात है ना। चलिए। हाँ आधी रात तो मच्छर मारते निकलेगी और आधी रात खटमल मारते हुए। क्या है अब? वाकसम सर अब बहुत मजा किया है। बाय गॉड। अरे कुणाल क्या क्या कर रहे? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब, दरवाजा बंद कर रहा हूँ और क्या। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, काफी थक गए होंगे ना। एक ही रूम मिला है।